हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हो गया आपका, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो यार? आज चल लोग शुरू करने लगे हैं यार। अभी तो मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ठीक है? यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार भी होना है, ठीक है? अभी मैं तैयार होने लगा हूँ, तैयार होके फिर हम आपको मिलेंगे। गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। अब मैं यूनिवर्सिटी, अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ, अभी नाश्ता कर फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलूंगा। अभी जब यूनिवर्सिटी के लिए निकलूंगा तब मैं आपको मिलूंगा रास्ते। खाना खाने के बाद मैं ना GTS अड्डे पे आ गया था, तो वाला साहब मुझे GTS अड्डे पर छोड़ आए थे। तो GTS अड्डे पर छोड़ा तो मैं डेवो में बैठा हुआ था ना, तो मुझे ना थोड़ा सा ना इरीटेटिंग सा फील हो रहा था। मैं कैमरा वगैरह भी नहीं ऊपर कर रहा था, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखें, लोग सो भी रहे थे और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ। बाहर बहुत ज़्यादा, अंदर तो फिर भी AC वगैरह चल रहा था ना ये डेवो के अंदर, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। थोड़ा सा ना इरीटेटिंग सा फील कर रहा था मैं, इसीलिए ना अभी बोलता नहीं हूँ जो ना सामने। तो अब आगे यूनिवर्सिटी पहुंच के मैं अभी बताता हूं अभी आपको। यार मैं फैसलाबाद पहुंच गया था और मैं अपनी ना यूनिवर्सिटी की बस का इंतज़ार कर रहा था, वहां पे बैठा हुआ था। एक इनका स्टॉप है GTS के पास, वहां पे आती है यूनिवर्सिटी की बस। तो मैं इंतज़ार कर रहा था यूनिवर्सिटी की बस आए, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यूनिवर्सिटी की बस आ जाती तो मैं यूनिवर्सिटी पहुँचता। यार एक दोस्त है ये मेरा, ये बहुत मासूम सा दोस्त है, चुप चुप रहता है यार। ये मुझे कहता मेरी वीडियो ना बनाओ, वीडियो मैं इसे बुला रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं सुना, क्योंकि आज पेपर्स वगैरह का ना शॉप था तो मैं इसलिए यूनिवर्सिटी गया था। पेपर वगैरह ना चेक वगैरह करने थे, मार्क्स वगैरह फाइनल हुए थे ना, तो ये उदास लग रहा था, ठीक है? मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रहा था, आगे से हंसी जा रहा था स्ट्रिक्स ना। तो मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा तंग किया, हालांकि इसका अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी ये ना उदास उदास रहता है, ठीक है? ये स्ट्रिक्स वगैरह बना रहा था, मैं इसे इतना तंग कर रहा था ना, कभी कह रहा था यार मेरी वीडियो ना बनाओ, कभी कुछ कह रहा था, कभी धान निकाली जा रहा था, कभी ना शर्मा, जैसे बंदा शर्माता नहीं है वैसे ऐसे ही रखते कर रहा था। मैं यही आपको बता रहा था। मैंने ना फिर कैमरा ऑन कर लिया व्लॉग के लिए, वो फिर हंसने लग गए, शर्माने लगा, कहता यार कैमरा बंद कर। ये देखें अभी ना इसने मुझे ना मारा है, ये देखें, कहता कैमरा बंद कर यार, ना मुझे तंग कर, मुझे बैठने दे, उदास उदास। हालांकि इसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं यार, ये बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, इसका नाम बहुत नाइस बंदा, ठीक है? चुप चुप रहता है, मतलब ठीक है, ऐसा बंदा होता है जो अपने में रहे, ठीक है? और ये यूनिवर्सिटी है, खाली यूनिवर्सिटी है यार, क्योंकि समर वगैरह है तो छुट्टियां हैं बच्चों को। हम तो मार्क्स वगैरह, कुछ बच्चे आते हैं मार्क्स वगैरह देखने के लिए, अपने फाइनल जो हुए हैं रीचेक करने के लिए आते हैं पेपर, आज ग्रेड्स वगैरह भी लगने थे, ठीक है? तो ना एक मेरा दोस्त था जैन, ठीक है? वो अंदर से आता, वो कहता यार ग्रेड लग गया, ठीक है? मैं उसे आवाज़ें दे रहा हूँ ना, दो तीन आवाज़ें दी हैं, उसने पीछे देखा नहीं है, तो मैंने फिर आवाज़ दिया, तो फिर वो पीछे देखता है, जैन है उसका ना, वो आ रहा है, ठीक है? वो ना आता है तो कहता है यार ग्रेड लग गए हैं, ठीक है, एक पेपर के, ठीक है? बड़ा खुश, उसकी खुशी देखें उसकी। मैंने कहा आपको क्या ग्रेड लगा? कहता है यार ए ग्रेड लगा है मेरा, खुशी देखें इसकी। खाना खाने के लिए कैफ़े वगैरह जाते हैं, कैफ़े से खाना खा के जब हम फारिग होते हैं तो हम ना बैठने के लिए ठंडी जगह ढूंढते हैं, तो कंप्यूटर साइंस की लैब मिलती है जहाँ पर हम बैठते। ये हमारी लैब है, कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब। ये भाई हमारे CR हैं, जैन भाई। जैन भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, पेपर कैसे अच्छे हो गए हैं? आज शॉप के लिए आए थे यार, हाँ देख रहा हूँ यार, A+ लिया है आपने, बड़ी खुशी हो रही है यार। यार हमें भी खुशी होती है जब दूसरों के A ग्रेड्स आते हैं यार, कुछ नहीं होता, सपोर्ट करना चाहिए जिनके ये जाते हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ मेरा भी एक में है भाई, कभी एक में है, अच्छी बात है यार, इस तरह बंदे को खुद कॉन्फिडेंस आता है यार, हाँ मैं ले सकता हूँ। यार मैंने सोचा फारिग बैठे हुए हैं आपको ना यूनिवर्सिटी का ना थोड़ा सा एक आधा फ्लोर दिखा देता हूँ। ये हमारी यूनिवर्सिटी का फ्लोर है, बच्चे वगैरह बहुत कम थे, बच्चे इसलिए आते हैं आजकल यार, वो फाइनल्स हमारे हुए हैं ना यूनिवर्सिटी के फाइनल, तो यूनिवर्सिटी के फाइनल में बच्चे इसलिए वो अपने पेपर शॉप के लिए आते हैं, ठीक है? कुछ का एग्जाम्स वगैरह में इशू होता है, मार्क्स वगैरह में इशू होता है, वो अपना ठीक करवाने आते हैं, कितनी का ग्रेड में होता है, ठीक है? ये हमारी यूनिवर्सिटी की फ्रंट साइड है, ये पार्किंग वगैरह यार यहाँ पे, ये ना अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स नहीं दिखा रहा अभी ना, हमारी यूनिवर्सिटी पीछे से बहुत बड़ी पार्किंग है, वो ना अभी मैंने घर जाना था तो इसीलिए, ठीक है यार? ये वीडियो में कैमरा मैं इसलिए बार ऊपर नीचे कर रहा था यार, कुछ लोगों की ना प्राइवेसी वगैरह होती है, इसलिए ना उनको मैं कैमरे में नहीं लाना चाहता था, ठीक है? और ये स्नोकर वगैरह का भी हमारे हर गेम है हमारी यूनिवर्सिटी में, और ये लिफ्ट वगैरह, ठीक है, ऊपर नीचे जाने के लिए। लेकिन हमारे ना यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन यार सीढ़ियों ये से ना ये सीढ़ियाँ उसे ऊपर नीचे आना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इतनी गर्मी में। ये टीचर्स के ऑफिसेज हैं और ये क्लासरूम्स हैं हमारे। इस घर जाने के लिए ना बस में बैठता हूँ, यूनिवर्सिटी की बस में। यार मौसम भी बड़ा अच्छा था ना, हवा वगैरह चल रही थी, लेकिन गर्मी भी थी, धूप भी निकली हुई थी, तो ये बच्चा सो रहा है गर्मी की वजह से, खिड़की खुली हुई है ऊपर से। यार इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, अब वो क्या बताऊँ यार, जब मैं पहुँचा हूँ ना बस यूनिवर्सिटी की बस मुझे GTS अड्डे पे छोड़ देती है, वहाँ से मैं वैन में बैठा हूँ। वैन में बैठने के बाद यार इतनी गर्मी थी, ऊपर से जिन्होंने वैन में सफ़र किया होगा उनको पता भी होगा वैन में कैसे बैठते, एक सीट पे चार चार लोग बैठते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ऊपर से। ऊपर से आंधी भी चल रही थी लेकिन मट्टी भी इतनी उड़ी थी, लेकिन गर्मी तो है भाई, जून का महीना है, गर्मी तो होनी है। और ये कुछ दिखा सकते हो, ये देख नहीं सकते हैं आप, गर्द लूज सा मौसम हुआ पड़ा है, ठीक है? और आप
मेरी हालत से भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पसीना वगैरह इतना आ रहा था, हवा भी चल रही थी। फाइनली गाइस मैं घर वापस आ गया था यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी सो के उठा हूँ। यार थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इसकी वजह से मैं सो गया था आते ही, और अभी मैं उठा हूँ और खाना वगैरह खाने लगा हूँ। अब खाना वगैरह खाने लगा और मैं यहाँ पे अब लोग आज का व्लॉग यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। हम अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।